नमस्कार दोस्तों, गाड़ीफाई अवार्ड्स की इस वीडियो में, पिछली वीडियो जो कल आई थी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज वक्त है गाड़ीफाई की इस टीम द्वारा अनाउंस किया जाना है बाइक्स की कैटेगरी में कौन सी गाड़ियां या कौन सी बाइक्स जीने कहते हैं। थोड़ी कम बात होती है गाड़ीफाई में बाइक्स की, लेकिन अब बढ़ने लगेगी 2018 में, चीजें बदली है। वैसे 2017 में भी कम चीजें नहीं बदली है, मोटरसाइकिल्स वगैरह के लिए काफी सारी चीजें आई और थोड़े बहुत कांड भी हुए, BS4 हुआ चाहे AHO हुआ, तो काफी सारे उतार चढ़ाव जिन्हें कह सकते हैं वो हुए। लेकिन इस उतार चढ़ाव में आखिरकार जो रिजल्ट निकल गया वो बहुत अच्छे थे, काफी अच्छे वर्दी अपडेट्स मिले, कंपटीशन बढ़ा और अच्छे पावरफुल इंजन आने लगे, पावरफुल इंजन ज्यादा माइलेज मिलने लगा है। फायदा हम लोगों को भी हुआ, एनवायरमेंट को भी हुआ, हमारा BS4 पे स्विच करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कई चीजें हुई और कई नए तरीके के एड्स देखने को मिले, झटका मना है जैसे नए तरह के इनोवेशन बाइक्स में देखने को मिले, स्कूटर्स वगैरह में, चार्जर्स वगैरह, ऐसी ABS को इम्पोर्टेंस मिली, ये भी सेफ्टी को इम्पोर्टेंस मिली और वो इम्पोर्टेंस आज की इस अवार्ड में खासी इम्पोर्टेंस रखेंगे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि लोग समझने लगे कि घोड़ा कौन है, हाथी कौन है तो क्या पालना है क्या नहीं पालना है, काफी चलता रहता है। एनीवेज तो एक विनर चूज करना होता है, वैसा पॉसिबल होना करना पड़ता है, भली मोटरसाइकिल्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। तो दो चीजें यहाँ पे बाइक्स की कैटेगरी में है, पहला अंडर 160 सीसी, पहले ये 150 हुआ करता था या 125 हुआ करता था, लेकिन ना बढ़ता 160 की नीचे, एक 160 के नीचे की एक सीसी की बाइक चूज करते हैं। गाड़ीफाई टीम ने मिलकर डिसाइड किया है कि इस साल 160 सीसी सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक जो रही वो रही सुजुकी इंट्रूडर। सुजुकी इंट्रूडर भले ही ऑलरेडी एक बनी हुई इंट्रूडर क्रूजर टाइप के डिजाइन से इंस्पायर थी, लेकिन ये एक तरीके की नई बाइक थी। किक्सर के प्लेटफॉर्म पे बनी इंट्रूडर जो है वो आपको ABS के साथ अवेलेबल थी, अच्छा इंजन, अच्छी हैंडलिंग, अलग तरीके की डिजाइन जो कि आपको अलग फील करवाती है, क्रूजर टाइप की बाइक और ABS तो मिल ही रहा था, तो क्या चाहिए था, और एक अच्छी गाड़ी डेफिनेटली बनी। अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहा पल्सर की NS160 से, और गगन प्राइसिंग भी काफी अच्छी रही है, प्राइसिंग भी काफी अच्छी रही है, हालांकि कई लोगों को थोड़ा सा प्राइसिंग से रिलेटेड रहता, वो तो देखो रहता है, लेकिन क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन फेस नहीं करी है, प्लस ABS, ये चीज इग्नोर नहीं की जा सकती कि ABS भी उसमें है, तो प्राइसिंग भी डेफिनेटली अच्छा रही। NS160 भी एक बेहतरीन था, लेकिन वही एग्जैक्ट ABS वाले थोड़ी सी उस चीज के कारण जो है वो सेकंड पोजीशन मान लो, या वो एक स्पेशल मेंशन है हमारी तरफ से। फिर 160 सीसी से ऊपर की बाइक्स, 160 सीसी ऊपर सर, ये बहुत ही ज्यादा इस बार जो ना लोगों को इंटरेस्ट भी बनाए रखा, बहुत सारी बाइक्स आई, चाहे वो डोमिनार रही हो, चाहे वो कावासाकी वर्सेस 300 रही हो, चाहे वो बेनेली की इधर उधर कुछ चेंजेस करके नई बाइक आई हो, बहुत सारी ट्रायंफ ने बहुत सारी बाइक लॉन्च की, बहुत सारी बाइक लॉन्च की, इसके अलावा इंडियन लेकिन मोटरसाइकिल युवा बिल्कुल अच्छा चीज है, लेकिन एट एंड जो सब चीजों को स्टील करके गई, सब चीजों को पूरी तरह से वैनिश करके गई, वो थी ईयर के एंड में दिसंबर में और जिसका इंतजार 2 सालों से आप काफी लोग समझ ही गए होंगे, TVS जिसको पहले अकूला सोचा जा रहा था, लेकिन नाम निकला अपाची RR 310 BMW के साथ में TVS का कोलैबोरेशन में बनी बाइक जो है वो गाड़ी फाइव चूज करती है 160 सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों में बेस्ट मोटरसाइकिल। तो TVS की RR 310 से हमें आगे भी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक बेहतरीन प्रोडक्ट, अगेन एक अच्छी डिजाइन, एक अच्छा इंजन, एक अच्छा ABS वगैरह के साथ में, सेफ्टी के साथ में गाड़ी में काफी बेहतरीन लुक्स भी डेफिनेटली कहीं से भी वो गाड़ी जो है वो नहीं लगती, कमतर नहीं लगती, और प्राइसिंग 2 लाख के आसपास समेट दी, तो अच्छी चीज है वो। उसके बारे में बस फिलहाल यही है, दो अवार्ड गाड़ीफाई के मोटरसाइकिल कैटेगरी के, और क्या जानना है और कौन सी बाइक जो है जो हमने कवर नहीं की, आई नो डोमिनार के भी कहीं यहाँ पे फैन है, तो डोमिनार सेकंड पोजीशन पे थी, बिल्कुल डोमिनार ऑलमोस्ट पूरी तरीके से जो है फाइट करती रही लास्ट तक, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एट एंड अगर दिसंबर से पहले अवार्ड हुए होते तो बिल्कुल डोमिनार हाथ ले, बिल्कुल, और वैसे ही कुछ हाल था इसका KTM 390 बिल्कुल 390 बहुत अच्छा अपडेट रहा। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे गाड़ीफाई अवार्ड्स। बाकी अवार्ड्स की जो वीडियोस है कुछ अमित सर के चैनल पे है, कुछ रविंद्र सर के चैनल पे है, डीसी ड्राइविंग स्कूल पे, प्लेलिस्ट में एंड में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।